नफरत है। देखिए जहांगीरपुरी में भी ये उनके जो रेड़ियां और तख्त हैं अपने डंडे से तोड़ सकते थे, बुलडोजर क्यों लेकर गए? इन्हें दिखाना था कि ये मुसलमानों का ये नंगी तलवारें लेकर हनुमान जी के नाम पर वहां पर जुलूस निकलता है, गैर कानूनी जुलूस, उसको अलाउ करते हैं। यहाँ एक कानूनी तौर पर एक जुलूस जिसकी हमें परमिशन होती है, शांतिपूर्ण है, कोई हमारे पास हथियार नहीं है, हमें यहाँ रोक दिया जाता है कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो हिंदुस्तान के कानून को तो कौन तोड़ रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। हम मोदी की बातों को क्यों मानेंगे? हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के तिरंगे को। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी इस वक्त मैं एलजी रोड मौजूद हूँ, जहाँ रेसिडेंट है एलजी का, और यहाँ पर बुलडोज़र जो है चल चुका है, मतलब कि यहाँ पर बुलडोज़र आ चुका है, मगर बोला तो ये जा रहा है कि बुलडोज़र यहाँ से चलना चालू होगा, मगर अतिक्रमण के नाम पर जो है गरीबों पर बुलडोज़र चल रहा है। अभी इसी सब पर हम बात करेंगे, हमारे साथ है मैमूना जी और उन्हीं से हम जानते हैं। तो मैम, ये जो बुलडोज़र है, ये बुलडोज़र तंत्र बनाया जा रहा है या फिर कुछ इसमें सियासत हो रही है? ये बुलडोज़र तंत्र ही तो सियासत है, ये बुलडोज़र तंत्र ही तो इनकी सियासत है। आप ये देखिए, अतिक्रमण के नाम पर ये लोग जो राजनीति खेल रहे हैं, सच में अतिक्रमण रोकना होता तो सबसे पहले इनके भाजपा के बड़े नेताओं की कोठियों पर जो अतिक्रमण है उसको बुलडोज करते, बड़ी बड़े पॉश कॉलोनियों में जो अतिक्रमण है उसको बुलडोज करते। इनको सिर्फ गरीब लोगों के घर और वो गरीब बस्तियों में भी चिन्हित करके ज़्यादातर मुसलमान बस्तियों को बुलडोज करना, ये इनकी राजनीति है, क्योंकि इनको पता है कि यही सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये इस तरह करके उनकी जीविका, उनके रोज़गार पर हमला कर रहे हैं, मुसलमान और गरीब मुसलमान, आम लोगों पे भी कर रहे हैं, आम गरीबों पर भी, बर्खास्त करके, चिन्हित करके गरीब मुसलमानों पर, उनके रोज़गार को छीन रहे हैं। इन्होंने वादे किए रोज़गार देने के, रोज़गार देना तो दूर की बात है इन 8 सालों में, उसके बदले जो रहे सहे लोगों के पास रेड़ी पटरी वाले तख्त पे बैठकर रोज़गार हैं वो तक ये लोग छीन रहे हैं, एक बात। दूसरा, उसके अलावा इन 8 सालों में क्या दिया? शिक्षा दिया, प्राइवेटाइज करने की पूरी पूरी उस सिमत में जा रहे हैं। हेल्थ का क्या हाल है? कोविड में क्या हो गया हेल्थ का हाल आपने देखा, गंगा शव वाहिनी बन गई, किसको परवाह है उसकी? किसी को परवाह थी? तो 8 साल में इस सरकार ने दिया कुछ नहीं, लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर, नफरत भड़काने के नाम पर, ये उस नफरत के चूल्हे पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कम्युनल फैशिज्म को पूरी तौर पर बढ़ावा दे रहे हैं। हम यहाँ वाम दल और अनेकों महिला संगठन यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने आए, अपने गुस्से का इजहार करने आए और ये कहने आए हैं कि भाजपा और आरएसएस की सरकार, आपको ये चैलेंज है, हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान में आपका कम्युनल फैशिज्म सफल नहीं होने देंगे। आप हिंदुस्तान कह रही हैं पर मोदी जी कहते हैं ये हिंदुस्तान नहीं, भारत है। देखिए, आप कुछ भी नाम से पुकारें, देश मेरा है, हिंदुस्तान भी कहिए, भारत भी कहिए, ठीक है, देश मेरा है। मोदी जी की नज़र से देखा जाए, मोदी जी बोलते हैं, मैं नहीं देखती उनकी नज़र से, मैं, हम उनकी नज़र से नहीं देखते और हम बाध्य नहीं है उनकी नज़र से देखने, हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखते हैं और वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, बगैर नोटिस दिए उन्होंने एंक्रोचमेंट किया है, वहाँ पर नंगी तलवारें लेकर हनुमान जी के नाम पर वहाँ पर जुलूस निकलता है,
गैर कानूनी जुलूस उसको अलाउ करते हैं। यहाँ एक कानूनी तौर पर एक जुलूस जिसकी हमें परमिशन होती है, शांतिपूर्ण है, कोई हमारे पास हथियार नहीं है, हमें यहाँ रोक दिया जाता है कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो हिंदुस्तान के कानून को तो कौन तोड़ रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। हम मोदी की बातों को क्यों मानेंगे, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के तिरंगे को मानते हैं। जिस तरीके से एक तरफ हनुमान चालीसा का जो जाप है वो चालू हो रखा है, एक तरफ जो है अब कुतुब मीनार की भी जो है बात छेड़ दी गई है, उसमें अब देवी देवता दिखने लगे हैं, अब एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ मतलब कुछ मिली जुली सरकार की पूरी कवायद जो है ये इसी लोगों पर चल रही है क्या, कुछ ही लोगों? देखो पहले तो मैं एक बात तो बोल चुकी हूँ, कुछ दिया नहीं है, नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति के इनके तौर तरीके बहुत सारे हैं, कभी ये गाय के नाम पे करते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे करते हैं, कभी हिजाब के नाम पे करते हैं, कभी सुल्ली बुल्ली करते हैं, हैं अब ये बुलडोज़र चला रहे हैं, कभी कहते हैं इनके बड़े बड़े लोग के वो मुसलमानों का कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, और उनका कुछ नहीं होता है। तो इनकी राजनीति, नफ़रत की राजनीति के अनेकों रूप हैं, ये उसी का एक रूप है जो आप देख रही हैं। तो मतलब क्या इनका जो बुलडोज़र है ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर चल रहा है, मगर जो है ये कह रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोज़र गया, पौश इलाका बताया जा रहा था, पूरा जो नेशनल मीडिया लगातार बोला कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पे चल रहे, मगर पौश इलाके में भी गया है, अब तो ये तो आप लोगों को भी दिख गया है, तो आप लोग कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर, उसी तबके पर चल रहा है। देखिए मैंने, आपने अगर मेरी बात सुनी हो सकता है किसी एक पौश इलाके में चलाएं, मैंने कहा खासकर गरीब बस्तियों में और उनमें भी ज़्यादातर मुसलमान बस्तियों में, मैंने ये कहा था। अब उन्हें क्या फ़ायदा है? उनको फ़ायदा ये है कि इनको दिखाना है कि हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, देखिए जहांगीरपुरी में भी ये उनके जो रेड़ियां और तख्त हैं अपने डंडे से तोड़ सकते थे, बुलडोज़र क्यों लेकर गए? इन्हें दिखाना था कि ये मुसलमानों का ये हश्र करना है हमें। ये शाहीन बाग में बुलडोज़र लेकर गए जबकि वहाँ एक कुछ भी तोड़ नहीं पाए क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, लेकिन बुलडोज़र एक प्रतीक बन गया है इनकी नफ़रत का और इनका, इनके नफ़रती हमले का और इनकी एक तरह की राजनीति का। तो मतलब बुलडोज़र जो है संविधान को भी कुचलने का काम कर रहा है, बिल्कुल आप ऐसा कुछ कहना? बिल्कुल मानती हूँ, जो मैं तो कह रही हूँ ना कि वो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो मैं यही कह रही हूँ। अब आप घूम फिर के उसी बात पे दोबारा आ रही हैं। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि लोग बहुत टूटे हुए हैं, दिल उनके टूटे हुए हैं। मैंने अभी एक महिला से बात की, रो रही थी, जिस तरीके से उनके घर मकान उजाड़े जा रहे हैं और बिना नोटिस के उनको जो है तोड़ दिया जा रहा है, जी हाँ। मगर उसकी भरपाई क्या की जाएगी, ऐसा कुछ आप जो है सरकार से कुछ चाहती हैं? बिल्कुल, हमने तो मांग की है कि सिर्फ भरपाई नहीं बल्कि उनका पूरा पूरा रिहैबिलिटेशन हो, उनका जो लाइवलीहुड ख़त्म हुआ है, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, उनका जीने का भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनको उनका रोज़गार बहाल हो, ये हमने मांग की है। आप भी जानती हैं कि ये नफ़रत भरी सरकार क्या करेगी और क्या नहीं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम हताश नहीं हैं क्योंकि हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है, हमें हमारे जनता के संघर्ष पर भरोसा है। इतिहास बताता है कि जनता ने जब संघर्ष किया है तो वो जीते हैं, और इस तरह के एकाधिकारवादी हमेशा हारे हैं। मैमुना जी, अभी आज जो है एलजी रेसिडेंट पे आप आ गई हैं अतिक्रमण के खिलाफ, अब आगे क्या कुछ कदम रहेंगे आप लोगों? आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, आप बराबर देख रही हैं कि हमारा संघर्ष चल रहा है और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी जो है हमने मैमुना जी से बात की जो एक्टिविस्ट हैं और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, कुछ
कितने ही जितने एक्टिविस्ट हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ सड़कों पर, प्रोफेसर लोग हैं वो भी आ चुके हैं, जो आम जनता है वो भी आ चुकी है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बेचारे इस संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए, और लगातार अपनी इस जो रोजगारी है उसको बचाने के लिए यहाँ पर आवाज़ें उठा रहे हैं और लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। सोचिए, जहाँ उनको अपनी काम कमाई करनी चाहिए, रोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, अपना घर खर्च के लिए वो इस रोजगार को चला रहे हैं, मगर सरकार अपने मनमाने तरीके से उनके रोजगार को छीन रही है और लगातार बुलडोजर का पंजा चल रहा है। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़, नई दिल्ली।